एक समय था जब देवगण मनुष्यों के बीच विचरण करते थे और मनुष्य अपने आत्मबल अपनी शक्ति से देवताओं को साक्षात देख सकते थे। देखिए ना, अब लात मारने लगा है। तुम्हें क्या चाहिए, भाई है बहन? जाओ खेलो। Get it!
चुप रहो। छोड़ो मेरी मम्मी को। चुप खड़े रहो। देखने में अच्छी है। इसे तुम ही संभालो। चलो अपने साथ, इसे भी गुलाम बनाकर रखेंगे। यही वो तलवार है मालिक, वाकई इसकी धार बहुत ही तेज है। ये तो मेरी तलवार से भी अच्छी है, उसे दाद देनी होगी जिसने इतनी अच्छी तलवार बनाई है। सब जानते हैं वो नहीं मानेगा। दौलत के लिए एक राजा अपने पिता का साथ कोई नहीं देगा। हमें अब चलना चाहिए।
कौन हो तुम? निशान बना है। मुझे मत मारो, रहम करो, किसी तरह मुझे यहां से बाहर निकालो। मालिक का कत्ल हो गया है, जल्दी आओ, यह हत्यारा भाग आया। मुझे डर लग रहा है। चलो मां, चलो जल्दी।
तरफ रास्ता है, तुम्हें उस लैंप को घुमाना होगा। रुको, उस आदमी को भी साथ ले लेते हैं। संभल कर। पवित्र आत्मा, उस दूसरे आदमी को कहां ढूंढूं? मत ढूंढो, संसार में प्रेम का शासन चलता है। उसे काबू में कैसे किया? उसे हराने के लिए तो शक्ति चाहिए। जरूर तुम्हारे पास हो सकती है। हाँ, काश मैंने ये काम खुद किया होता। बाहर आने का रास्ता पता कैसे चला? उस किले को मैंने ही बनाया था। क्या तुमने उस किले को बनाया है? हाँ, उसने बदले में मेरे साथ क्या किया देखा तुमने? पर मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगे। वो कैसे? कभी कभी एक अंधे को वो दिख जाता है जो दूसरे नहीं देख सकते। तुम भविष्य देख सकते हो? हाँ, देख सकता हूँ। तो बताओ ये क्या चीज है? ये तो चाबी है। चाबी? ठीक से नहीं पता, पर लगता है सम्राट हमारा इंतजार कर रहे हैं कैलोराइड में। किस चीज की चाबी है ये? ये चाबी स्वर्ग के द्वार की है। जरूर विनीटोर ने वहीं पर खजाना छिपाया होगा। हमें गैलेरॉइड जाना होगा। नौजवान, तुम कभी गैलेरॉइड गए हो क्या? मुझे कहीं और जाना है। रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? हमारा काफिला गैलेरॉइड की तरफ जा रहा है। इस बुजुर्ग और लड़की को अपने साथ ले जाएंगे? हमें और यात्रियों की जरूरत नहीं है। रास्ता बहुत खतरनाक है। हमारे साथ काफी सिपाही हैं, चिंता मत करो, आगे बढ़ो। रुको, अपने आदमियों से कहो मुझसे मुकाबला करें, अगर आगे बढ़ना है तो। तुम जाओ। छड़ी अच्छी है। हाँ,
तुम जाओ। राजकुमारी की पोशाक लेकर आओ। बस करो, रुक जाओ, ये पहन लो, तुम्हारा ढके रहना सबके लिए अच्छा है। ए अजनबी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मुझे वुल्फहाउंड कहते हैं। ओह, मेरा प्यारा नन्हा दोस्त घायल है। अगर आज मेरे पास सुई धागा होता तो अभी तुम्हारे पंख सी देता और तुम आराम से उड़ सकते थे। तुम ऐसा कर सकते हो? अपने सिपाहियों से कहिए कवच पहन ले। मत भूलो कि तुम अजनबी हो। बदमाशों को हत्या कर दो इन्हें। जल्दी से नीचे उतरो, चलो जल्दी। ये लो पकड़ो इसे। Stop!
तुम हमारे लिए मनहूस हो, हम तुम्हें साथ नहीं ले जाएंगे। अपना रास्ता नापो। ठीक है, इसे मत छुओ। ये मेरी है, ये मैंने लड़ाई में जीती है। ले जाने दो। तुम दोनों भी जाओ उसके साथ, जाओ। क्या इसे रोकना है? मेरी बात सुनो अजनबी, वापस आ जाओ। अपने दोनों दोस्तों के बारे में तो सोचो, तुम अकेले उनकी रक्षा नहीं कर सकते। वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है? मुझे नहीं पता। मैं यहाँ पहुंचाने का शुक्रिया। लो इसे रख लो। माफ कीजिए, ये सराय कहाँ है? आगे बढ़ो, चलते रहो। ताज्जुब है, गर्मी का मौसम है पर यहाँ कितनी ठंड है। इसकी वजह है, इस शहर पर एक भयानक श्राप है, पर तुमने यहाँ आकर अच्छा किया उल्फाउन। ये तलवार तुम्हें उस तक ले जाएगी जिसे तुम ढूंढ रहे हो। क्या ये तुम्हारी है? ये मैंने लड़ाई में जीती है। झूठ बोल रहा है, इसकी शक्ल देखिए, बिल्कुल हत्यारा लगता है। देखिए कंधे पर चमगादड़ बैठा है। कोई भी अच्छा आदमी ऐसा मनहूस पक्षी नहीं पालेगा। ये आदमी शड़ोबा नहीं है। बहन, क्या तुम सबको खुश करना चाहती हो? लूचिसा, ऐसा नहीं हो सकता। एक राजा अपना कानून नहीं बदल सकता। लूचिसा, यह आदमी हत्यारा है, शहर में दहशत फैला रहा था, फिर यह आजाद कैसे घूम सकता है? तुम्हारे पिता के लौटने तक राजा मैं हूँ, तो फैसला मैं करूंगा। ले जाओ इसे। और लोग कहते हैं जरोबा के हाथ पर निशान है। हाँ, भेड़िए का निशान है। दाहिने हाथ पर? हाँ, सिर्फ इसी के हाथ पर, बाकियों के छाती पर है। हमें अपना हाथ दिखाओ। अब फैसला हो चुका है, ये आदमी जरोबा नहीं है। अजनबी, हमारे भाई से नाराज मत होइए, इस बुजुर्ग को भी माफ कर दीजिए। हमारी तरफ से ये तोहफा कबूल कीजिए। यहाँ सब जानते हैं हम सच्चाई की कदर करते हैं। तुम्हारे लिए सुई धागा लाया हूँ। तुम इसके पंख सिलना चाहते थे ना? अलाव को थोड़ा तेज कर दो। चलो आओ मेरे प्यारे दोस्त, तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, डरो मत, ठीक हो जाओगी। शांत रहो।
आज राजकुमारी को देखा, उनके सिपाहियों ने मुझे जड़ोबा समझा और उन्होंने मुझे छोड़ दिया। क्या वो बहुत सुंदर हैं? कौन है ये जड़ोबा? शैतान मरोना का पुजारी। विनीटर की तरह? वो दोनों तो दुश्मन हैं। ये दोबा तो इंसानी चोला छोड़कर अब मुखोटा पहनने लगा है ताकि वो विनीटोर से ज्यादा शक्तिशाली बन जाए। वो क्यों? क्योंकि वो दोनों भयानक मरोना की सिद्धि प्राप्त करना चाहते थे। भयानक मरोना? वो कौन है? मरोना एक बहुत ही बेरहम राक्षसनी थी। वो जिसको भी छूती वो पत्थर बन जाता। वो चाहती थी सारे आदमी गुलाम बन जाए और तांत्रिक उन पर हुकूमत करें। पर पिछली जंग के दौरान एक बहादुर इंसान जन्मा। उसने तूफान के देवता का आह्वान किया जिन्होंने उसे श्राप देकर पत्थरों में कैद कर दिया। जड़ोबा, कहां मिलेगा वो? भेड़िए को पकड़ना है तो वहां जाओ जहां उसका शिकार है। और वो कहां है? जड़ोबा को अक्सर गैलोराइट की सरहदों के आसपास के इलाकों में देखा गया है। मतलब कि उसका शिकार यही है। घोड़ा आपको पसंद आएगा? हाँ, लेकिन तुम जैसे सवार के लिए नहीं। कहा है जो खुद को वुल्फ हाउंड कहता है? भयानक ठंड और बरसात से मरोना के दास हमारे शहर को तबाह करना चाहते हैं। उनका जादू यहाँ तूफान लाता है और महामारी फैलाता है। जब दो तांत्रिक थे तो वो आपस में ही लड़ते रहते थे। तब एक उम्मीद थी, शायद उनमें से कोई ना जीते। हमें पता लगा है कि विनिटोर मारा गया है। हमने उसके बेटे और उत्तरी द्वार के देव कुंग विनिटोर के साथ संधि करने का निश्चय किया। वो जड़ोबा से हमारी रक्षा करेगा। बदले में हमारी बेटी एलन उसकी पत्नी बनेगी। एलन को अपने वर से मिलने वेलेवॉर जाना पड़ेगा। उसे लेकर जाएगा उनका राजदूत
जिसका नाम है डंगोंग, और उनके साथ हमारा भतीजा लूचिजोर होगा। आपने सुना मालिक, आपको विनिटोर से लड़ना है। तुम विनिटोर इस शादी के बाद गैलीरॉइड का नया राजा होगा। यहां से जाने से पहले हमें एक कर्ज चुकाना है। हमारे पास आओ योद्धा। हमें तुम्हारी कुछ चीजें वापस लौटानी है। ये लिबास रख लो। अब ये तलवार सही हाथों में है। आप लोगों की वफादारी और ईमानदारी के लिए हम आप सबके शुक्रगुजार हैं। आराम से ठीक हो जाओगे। इससे तुम्हें आराम मिलेगा। ये तो मरुण का दास है। डर क्यों रहे हो मेरे बच्चे? तुम्हें कुछ नहीं होगा। ये पवित्र मंत्र लाए शुद्धता जल की, जो पर्वत से ऊंचा है, स्वर्ण से भारी। ओ धरती आकाश ध्यान से सुनो, नदी के प्रवाह को और तेज करो। संसार में प्रेम का शासन चलता है। अब सब ठीक है, ये बच जाएगा। मैंने एक सपना सा देखा, ऐसा ही सालों पहले मेरे साथ हो चुका है। मैं पहाड़ों पर था, मौत पास थी, पर एक औरत ने मुझे बचा लिया। उस लिबास की जगह तुम्हें कवच देना चाहिए था। एक बात बताइए मालकिन, आप विनेटर के पास क्यों गई थी? ये तुम क्या कह रहे हो? आपको मैंने वहां देखा था। उसने हमारी एक चीज चुराई थी जिसे वापस लेना था। अकेली गई? अंगरक्षक साथ क्यों नहीं ले गई? हमें किसी पर यकीन नहीं। जेडोबा आपको क्यों मारना चाहता है? इस बारे में हम कुछ नहीं कहना चाहते। रुकिए, मैंने दो बार आपकी जान बचाई है, आप मुझ पर भरोसा कर सकती हैं। अंगरक्षक बनाकर मुझे साथ ले चलिए। राजकुमारी, राजकुमारी, तुम ठीक हो जाओ, हम इंतजार करेंगे। वेलफाउंड, एक जरूरी खबर सुनो।
एवरेज के पास दूसरी चाबी है। जब मरोना को चट्टानों में कैद किया गया तो स्वर्ग के द्वार बंद हो गए, पर मुझे पता है वो कहाँ है। हमें वो द्वार ढूंढना है, तुम हमारे साथ चलो। हम में से हर एक का मुकद्दर स्वर्ग के द्वार से ही जुड़ा है। राजकुमारी ने मुझे साथ चलने को कहा है। सुनो वेलफाउंड, मैंने राजकुमारी का हाथ देखा है। उसके हाथ की लकीरें खून से सनी हैं। वो खून तुम्हारा खून है। तुम उसके साथ मत जाओ, तुम्हें दुख के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तुम्ही ने कहा था भेड़िए को पकड़ना है तो उसके शिकार को ढूंढो। तब मुझे पता नहीं था उसका शिकार कौन है। कैसे भी मुझे जाना ही होगा। इसमें रास्ते का नक्शा है, तुम बिल्कुल इसी रास्ते से जाना और किसी को इस नक्शे के बारे में पता ना चले। ये सिर्फ तुम्हारे डंगोम और लूचजार के पास है। हमें माफ कर दो बेटी, हमें माफ कर दो। आप फिक्र मत कीजिए पिताजी, आपका फैसला बिल्कुल सही है। अभी भी तुम दूसरा रास्ता चुन सकते हो, अपना मुकद्दर बदल सकते हो। ऊपर वाले पर छोड़ देते हैं, अगर चिता है तो इसके साथ जाना। तुम जो चाहो करो, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूं।
पुराने रास्ते से चले, वो छोटा है। तो फिर उधर से ही चलो। उसके लिए कैरन को पार करना होगा। तो क्या हुआ? वहाँ भटकती हुई आत्माएं रहती हैं, जो तांत्रिकों के बुलाने पर आ सकती हैं। बेकार की बातें मत कर औरत। आप तो उनके पिता हैं, कम से कम राजकुमारी के बारे में तो सोच कर देखिए। यो बहन, क्या तुम भूतों से डरती हो? पूछ लो अपने संग रक्षक से। लोग कहते हैं कि कैरन में ही जडोबा रहता है। वुल्फहाउंड, जैसे आपकी मर्जी राजकुमारी। वुल्फहाउंड फिर से सोच लो। हम पुराने रास्ते से जाएंगे। पर राजकुमारी वो हम पुराने रास्ते से जाएंगे। ये देखो मुझे क्या मिला, अच्छा लगा? हाँ हाँ अच्छा है। इसे पहन लीजिए वुल्फहाउंड। तुमने पुराना रास्ता क्यों चुना? ये जरूरी था। क्या तुम भूतों पर यकीन करते हो? मेरे दादा ने उन्हें देखा है। वो और उनके दोस्त एक बार दलदल के पास रुके थे। रात में उन्हें एक चीख सुनाई दी। इतनी भयानक आवाज उन्होंने पहली बार सुनी थी। फिर परछाई कोहरे में गायब हो गई। वो पास आता गया और पास, फिर एक एक करके उनके दोस्त गायब होने लगे। क्या ये मुरैना की गुफाएं हैं? पता नहीं, पर जगह अच्छी है।
कहाँ गए थे? तुम हमारी रक्षा करने के लिए आए हो, इसकी नहीं। मैं माफी चाहता हूँ राजकुमारी। तुम सही कहते थे, हमें अकेले ही रहना होगा। क्या तुम्हें गैल्यूराइड की याद आ रही है? अगर तुम्हें चुनने को कहा जाए तो अपने आप में से और गैल्यूराइड में से तुम किसे चुनोगी? वो तुम्हें पता है। और गैल्यूराइड और मुझ में से किसी एक को चुनना पड़ा तो? तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो? सोते वक्त ही इसे उतारिएगा, अभी पहने रहिए। चुप रहो। मेरी बात मानिए, इसे पहने रहिए। वो क्या है? मरोना के भूत भटकती हुई आत्माओं को बुला रहे हैं।
आप क्या कर रही हैं? चाहिए देवताओं रक्षा करो, हमें इस बला से बचाओ। देवताओं हमारी मदद करो, कोई करिश्मा दिखाओ, हम पर कृपा करो। मेरी बहन लूचिसा, शुक्र है तुम सलामत हो। हमने उनका पीछा किया और उसी में ये घायल हो गया, लेकिन जड़ोबा हाथ से निकल गया। उन्हें संदेश भेज दीजिए, कहना जल्दी आ जाए। महाराज वेनेटोर को दे देना। उसका अंगरक्षक जाग रहा था, शायद इसीलिए तुमने इरादा बदल लिया। उसने अपने गुलाम को खबर लेकर भेजा है, विनिटोर आता ही होगा। तुम अपनी बहन को प्यार करते हो? बचपन उसी के साथ बीता है। तुम्हें गैलोरॉयड से प्यार है? हमारे शहर को अपने श्राप से मुक्त कर दो। उसे मरना ही होगा। आज रात तुम उसे लेकर मेरे पास आओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ
तो मैं उसे खुद ढूंढ लूंगा। सिर्फ यही होगा कि लॉयड उसके पति वेनिटोर को मिल जाएगा, तुम्हें नहीं। इसके अंदर नींद की दवा है, आज रात उसके पहरेदारों को इसे पिला देना। कितना प्यारा गाना है, ये एक गुलाम का गीत है। इसका मतलब क्या है? हर इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। कोई आदमी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, न राजा न गुलाम। गाने में यही कहा गया है, पहाड़ों की खदानों में एक गुलाम हुआ करता था। उसने अपने मालिक से लड़ने की हिम्मत की और वो जीत गया, वो आजाद हो गया। सिर्फ वही खदान से बाहर आ पाया। इस गीत में उसी की कहानी है। Yeah.
जाओ, वो तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो गीत तुम्हारे बारे में ही था। एक गुलाम जो जंजीरों से आजाद हो गया। विनिटॉर को तुम्हीं ने मारा था ना? हाँ। सदियों पहले की बात है, हमारे एक पूर्वज ने मरोना को हराकर स्वर्ग के द्वार खोलकर उसका दिल कैद कर लिया था। ये रहस्य सिर्फ हमें पता है और इसलिए वो हमारा पीछा कर रहे हैं। जरोबा को लगता है कि हमें मारकर वो शाप दूर हो जाएगा और विनिटॉर को तो किसी भी कीमत पर वो चाबी चाहिए थी। वो चाबी गैलरॉइड की सबसे कीमती चीज है। वाकई? हाँ, पर जब से विनिटॉर ने उसे चुरा लिया तब से शहर में पतझड़ छा गया। चाबी मेरे दोस्तों के पास है। तुम्हारे दोस्तों के पास है? वो उन्हें लौटानी होगी। गैलरॉय में सूर्य का प्रकाश लाने का ये एक ही तरीका है। चाबी को देवताओं के तेज से शुद्ध करना होगा। वो ये नहीं जानते, उन्हें तो उससे स्वर्ग के द्वार खोलने हैं। वो ये नहीं कर पाएंगे। वो पवित्र निर्देश पढ़ चुके हैं। स्वर्ग के द्वार खोलने के लिए मरोना को आजाद करना होगा और मरोना को आजाद करने के लिए हमारा रक्त चाबी पर छिड़कना होगा। हमें बेटा चाहिए, लेकिन उस आदमी से नहीं जिसे हमने आज तक नहीं देखा। हम तुमसे बेटा चाहते हैं वुल्फहाउंड।
कौन हो तुम? मैं राजकुमारी का अंग रक्षक हूं। मेरी दुल्हन का वो देखिए मालिक। यही है वो जिसने आपके पिता की हत्या की थी। कौनसे विनेटोर मेरे पिता थे, वो मेरे लिए सब कुछ थे और तुमने उन्हें मार डाला। अब मुझसे बच सकते हो तो बचो। दासी है वुल्फहाउंड, वुल्फहाउंड तुम आ गए। वो लोग कासा पर्वत पर गए हैं। कौन? लुचीशर और शरोबा, वो उसे मरोना की बलि चढ़ा देंगे। कहाँ चले गए थे वुल्फहाउंड? वो तुम्हें कब से पुकार रही थी। नहीं, जाने दो इसे। वो हमें उस तक पहुंचाएगा। Yeah!
चलो। हे प्रभु, पहिया फंस गया। अब कहाँ गए तुम? इधर आओ, हाथ लगाओ। जल्दी मदद करो मेरी। चलो चलो। जोर लगाओ। वो क्या है? चिड़िया? नहीं, चमगादड़। खिनौना लगता है। राजकुमारी, Wolfhound! Wolfhound! मुझे यकीन था तुम जरूर आओगे। उन्होंने हमें कैद कर लिया और चाबी छीन ली। राजकुमारी कहाँ है? चलते रहो। राजकुमारी, यहां से निकल जाइए। यहां
यहाँ से निकल जाइए। जल्दी उठिए, चाहिए चाहिए पुरनिश्वर, राजकुमारी भाग रही है। Come on!
नेक लोगों को बचा लीजिए, तूफान के देवता को भेजिए, मेरी मदद कीजिए। रहना होगा हमारे लिए। Thank you.
देखो स्वर्ग के द्वार खोल गए हैं। Mm-hmm.